हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीराम क्लासेस में और अगर आप नवोदय विद्यालय कक्षा छः के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 की जो 29 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाला है वो देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके कोई बच्चे अगर आपके जो ये उनतीस तारीख को नवोदय का पेपर देने जा रहा है तो आप उसको बैठा के अच्छे प्रकार से समझा देना ये बताना ये वीडियो कि आपको जो ओ एम आर सी वो कैसे भरनी है आप चाहे पेपर आपका जो अस्सी प्रश्न आएंगे और अस्सी प्रश्न आपके अस्सी के अस्सी आपको आते हैं लेकिन आपने ओ एम आर सीट बन ये सीट बनने में आपको गलत गलत हो गई या गलती कर दी तो फिर आपके वो अस्सी में से अस्सी आपके सही करने का कोई मतलब नहीं रहेगा तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपकी जो सिलेक्शन होता हुआ वो रुक जाता है तो उसके कारण आपको जो आ, ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है किन किन बातों का ध्यान रखना है साथ ही आपको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पे क्या क्या साथ में लेके जाना है और इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है ये ओएमआर आपको कैसे बननी है इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा पूरा मिलने वाला है तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ये आपको ए एम दिखाई दे रही है आपको इसी में सारा है जो अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यानी कि जो उत्तर होगा उसका गोला बढ़ना है इस प्रकार से अस्सी प्रश्न आएंगे और अस्सी ही प्रश्न को आपको इसमें जो निशान लगाना है कैसे गोला बढ़ना है कौन सा पेन ले जाना है सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक भी प्रश्न का जो आपके मन में कोई डाउट है तो वो नहीं रहेगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा तो ये आपका ओ एम है जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होने जा रही है उनतीस अप्रैल दो को उसी प्रकार, इसी प्रकार का आपके एक ओ एम आएगा लेकिन उसके ऊपर ये मैंने जो लिख रखे ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखे इस प्रकार से बिल्कुल ही खाली कोई सभी निशान लगाव नहीं होगा इस प्रकार से बिल्कुल खाली आपको एक ओ एम आर सीट मिलेगी ये ओ एम आर सीट कहाँ पर मिलेगी तो ये आपको जो पेपर जो क्वेश्चन बुकलेट देंगे पेपर देंगे उसी के अंदर से आपको ये निकालनी पड़ेगी तो ये आपको वहाँ से निकाल लेनी है फिर उसके बाद में इसको ध्यान से बढ़ना है वहाँ पर गलती होने पर आपको जो नई बुकलेट आपको नहीं मिलेगी नया जो ओ एम आर सीट वापस नहीं मिलेगा तो एक बार गलती होगी तो फिर वो आपके कुछ मतलब नहीं रहेगा चाहे आपने इतने से दिनों से मेहनत की है तो आपको थोड़ा सा ध्यान ध्यान से इसको भरना है सबसे सब पहले इसको भरना किससे है पेंसिल ले जानी या फिर पेन से भरना है तो यहाँ पे जो जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से स्पष्ट उसमें निर्देश दिए होते हैं कि आपको कौन सा पेन काम में लेना है या कौन सी पेंसिल काम में लेनी है। तो पेंसिल तो आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है ऐसा है जो आपके उस परीक्षा का जो पेपर होगा उसके ऊपर साफ लिखा होगा कि पेंसिल का उपयोग वर्जित है तो फिर आपको पेन कैसा ले जाना है तो पेन ले जाना है आपको या तो ब्लू पेन ले जाना है या फिर आपको ब्लैक पेन ले जाना है दोनों में से कोई एक पेन ही आपको काम में लेना है ठीक है या तो आप दोनों ब्लू ले जा सकते हैं जो भी पेन ले जाए वो ब्लू काम में ले सकते हो या फिर आप ब्लैक पेन काम में ले सकते हैं तो दो तरह के पेन आपको उसमें काम में लेने की अनुमति दी जाती है या तो आप ब्लैक पेन ले जाना या फिर आप ब्लू पेन ले जाना कौन से पेन तो आपको बॉल पेन ले जाना है बॉल पेन ले जाना है जो बॉल पेन आपको दुकान पे मिल जाएंगे जो तीन रुपये पाँच रुपये वाले बॉल पेन आते हैं वो वाले आप अच्छी प्रकार से जो भी पेन आपको वहाँ पर ले जाना है उसको घर पर चार पाँच बार उसको अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस में ले आना है कि आप कौन सा पेन काम में लेंगे उसको अच्छी प्रकार से उसको काम में लेके तैयार कर लेना है ठीक है और दोनों ही पेन या तो आप ब्लू लेके जाना या फिर आप ब्लैक लेके जाना ठीक है अब ऐसा नहीं होगा एक तो ब्लू ले जा रहे हो एक पेन तो आप ब्लू ले जा रहे हो एक ब्लैक ले जा रहे हो एक ब्लैक पेन है और दूसरा आपके ब्लू पेन है ऐसा काम आपको नहीं करना है या तो दोनों ब्लू लेके जाना या फिर दोनों ब्लैक लेके जाना कम से कम दो पेन तो आपको लेके ही जाना है हो जाए हो सकता है कि कोई आप एक पेन आपको बीच में रुक जाए तो आप दूसरे पेन को वहाँ पे काम में ले सकें ओ एम आर सीट को बीच में से कहीं पे भी मोड़ना नहीं है उसको फाड़ना नहीं है कहीं पर भी ओ एम आर सीट के कॉर्नर पर उसको कट नहीं लगाना है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है कोई भी निशान आपको नहीं बनाना है आप निशान बनाओगे तो फिर आपका जो जो कंप्यूटर चेक करता है इस ओ एम आर सीट को तो वो फिर आपका चेक नहीं करेगा तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखनी है पेंसिल तो आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको साफ लिखा हुआ दिखाई देगा देखो जैसे ये आपके जो एक पुराना पेपर है ये 2022 का पेपर है मैंने आपको सोल्व करवा रखा पूरा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरा पेपर मैंने ये सोल्व करवा रखा है लास्ट ईयर का तो एक बार इसको जरूर देखना इसके ऊपर भी आपको पेपर के ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे अपना नाम लिखना होगा ठीक है और परीक्षा की जो डेट वगैरह वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी तो ये तो आप पेपर के ऊपर भरेंगे लेकिन ओ के ऊपर आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको कौन सा पेन काम में लेना है वो उसके ऊपर आपको दे रखा है तो पेन जो काम में लेना है चौथा नंबर का पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ओ एम आर उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है और परीक्षार्थियों को अपना बॉल पेन लाना होगा यानी कि आपको खुद को ले जाना होगा वहाँ परीक्षा में आपको नहीं देंगे इसके अलावा पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है बिल्कुल पेंसिल का उपयोग आपको वहाँ पर नहीं करना है नहीं करने का मतलब आपको ओ एम आर सीट में कहीं पर भी जो पेंसिल से नहीं लिखना है तो पेंसिल तो आप ले जाने में फ़ायदा ही नहीं रहेगा या फिर आप गणित के जो प्रश्न सॉल्व करें तो उसके लिए आपको नीचे खाली स्थान दिया होगा तो वहाँ पर आप पेन से वहाँ पर कर सकते हैं तो ये आपको दे रखा होगा कि पेंसिल तो, तो आपको बिल्कुल काम में नहीं लेनी है तो पेंसिल तो आपको नहीं ले जानी है ठीक है तो आपको पेंसिल से संबंधित तो आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पेंसिल से आपको एमआर नहीं बननी है कौन सा पेन ले जाना है ब्लू या फिर ब्लैक तो ये तो आपके समझ में आ गई कि पेन कौन सा ले जाना है और पेंसिल आपको नहीं ले जानी तो ब्लू या फिर आपके ब्लैक दोनों में से कोई एक पेन आपको लेके जाना है ये तो काला चलने वाला या फिर नीला चलने वाला पेन आपको लेके जाना है अब आपको रोल नंबर कैसे बनाए वो आप इसमें देख लो तो देखो रोल नंबर का आपको इस पहले पेज के ऊपर आपको इस प्रकार से सात डिब्बे बना रखे इसमें तो जितने भी डिब्बे हो आपको गिन लेना वहां पे कितने डिब्बे हैं ये आपके डिब्बे दे रखे हैं और मान लो आपके रोल नंबर है जो अंक इस प्रकार से दे रखे हैं जैसे ये आपके रोल नंबर है एक दो तीन चार पाँच छः और सात ये आपके रोल नंबर है और रोल नंबर में आप भी आपके साथ ही अंक हैं तब तो आप एक एक डिब्बे में एक एक भर दोगे तब तो आपको कोई बात ही नहीं यहाँ पे एक एक डिब्बे में एक एक अंक आ जाएगा यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे दो आ जाएगा तीन चार पाँच छः और सात ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ आपको इस प्रकार से गिनती नहीं लिखनी वहाँ पे आपको अपने एडमिट कार्ड के अंदर जो आपके रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं अनुक्रमांक जिसको हिंदी में कहते हैं वो आपको यहाँ पर बरने तो सात अंक है तो सात ही अंक आपको वहाँ पे भर देना है और ये अंक भरते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल साइज में आपको इनको भरना है बिल्कुल छोटा भी नहीं भरना जैसे एक बिल्कुल छोटा भर रहे हो यहाँ पे या बिल्कुल दो बिल्कुल छोटे हैं और बिल्कुल बड़े भी नहीं भरने की इससे बाहर निकाल दो ये चार ये पाँच ठीक है तो आपको इस प्रकार से नहीं बनना है नॉर्मल साइज़ में ही आपको बनना है जैसे आपके यहाँ पे दे रखा है ठीक है ये तो बात हो होगी आपके सात अंक होने पर सात ही डिब्बे भर देंगे यानी कि जितने डिब्बे हैं और उतने अंक हैं तब तो एक एक भर देना लेकिन अंक कम हैं जहाँ पे मान लो आपके ये छः तक ही अंक हैं छः अंक ही हैं और आपके डिब्बे सात हैं तो फिर आपको क्या करना है ये जो पहला वाला डिब्बा है इस साइड वाला इसमें आपको ज़ीरो भर देना है जीरो भरने के बाद में यहाँ पे एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच और फिर छः इस प्रकार से भरना है यहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पर आपको जीरो इस साइड में नहीं लगाना है यहाँ जीरो लगाते ही आपके जो रोल नंबर वो बदल जाएंगे इधर ज़ीरो लगाने पे आपके रोल नंबर नहीं बदलेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान में रखनी है तो ये ज़ीरो लगा के इस प्रकार से आपको रोल नंबर बदल लेना है फिर आपको यहाँ पर अपने अपना नाम लिखना है अपने एडमिट कार्ड भी देख लेना प्रवेश पर, पत्र में आपको जो अपना नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है जो नाम लिखा हुआ है प्रवेश पत्र में वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है जैसे आपका नाम है राहुल ये आर ए एच यू एल और राहुल जो लिखोगे आप बड़े अक्षरों में लिखोगे कैपिटल में ही लिखना है आपको ठीक है स्मॉल में आपको नहीं लिखना है फिर आपको राहुल जैसे राहुल कुमार लिखा हुआ है या राहुल वहाँ पर लिखा हो राहुल शर्मा लिखा है या फिर राहुल जो भी आपका नाम है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि राहुल जाट तो आपको बीच में अपने नाम में और आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसमें आपको खालिस्तान थोड़ा सा छोड़ देना है थोड़ी सी जगह छोड़नी है ये छोड़ देंगे लिख लेंगे और फिर अपने पिताजी का नाम अपने पापा का नाम आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है पापा का नाम जैसे राजू है तो आपको लिखना है आर ए जे यू राजू और फिर उसमें भी खाली थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर आपको लिखना है जे ए टी ये जब जो, जो भी आपके पापा का नाम है वो एडमिट कार्ड में देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है ऐसा नहीं हो ये जो लिखा हुआ है जाट इसको आप इसके लिख लो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका नाम है ठीक है तो आपको इस प्रकार से काम नहीं करना है ये ऐसे साथ के साथ ही नहीं लिखने सारे के सारे आपको बीच में से खाली जगह छोड़नी पड़ेगी और ये जो डिब्बा बना रखा है इसके अंदर ही लिखना है इससे बाहर नहीं लिखना है जैसे इससे ऐसे ऐसे नाम नहीं लिखना है ये ऐसे बड़े बड़े नाम आपको नहीं लिखने हैं ठीक है ठीके? जो भी नाम है आपका इस डिब्बे के अंदर ही होना चाहिए इस डिब्बे से बाहर आपको नहीं निकलना है तो ये काम आप कर लेंगे ये नाम लिखने के बाद में ठीक है और फिर अपने पापा का भी नाम लिख लेंगे या फिर पापा का नाम इस प्रकार से लिखने के बाद में फिर आपको दूसरे पेज पे जाना है दूसरे पेज पर आपको किस प्रकार से गोले बनने वो आपको मैं बताता हूँ ठीक है पहले ये वाला पेज हम पूरा कर लेते हैं तो ये दोनों नाम लिख लिया आपने इस प्रकार से अब आपको ये दूसरे पेज पे आ जाना है इसके अलावा इस यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे होंगे वो आपको एक बार पढ़ लेना है कि कौन सा पेन तो ये तो आपको पता ही है गोले सही कर, गहरे करने निशान आपको सही लगाना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में बनना है जो गोले भरो उसमें एक प्रश्न का एक ही उत्तर आपको बनना है रोल नंबर वगैरह जो भरो गोले उसमें आपको ये सही बनने का जो तरीका इस तरफ दे रखा है ऐसा आपको बनना है दो गोले एक डिब्बे में नहीं बनना है और गलत का निशान आपको नहीं लगाना है और राइट का निशान भी आपको गोले के अंदर नहीं करना है आपको ये वाले जो गोला बनना है पूरा बबल को पूरा काला करना है अच्छी प्रकार से और बिल्कुल गोट गोट के उसको जो बिल्कुल फाड़ना भी नहीं है ओ को फाड़ना भी नहीं है और इस गोल बना तो आपको गोल ही बनना है इस प्रकार से चौकोर बनने की कोशिश नहीं करनी है आपको तो ये तो आपको बनने का थोड़ा सा ध्यान रखना है ये इसका बनने का सही तरीका ये है आपको इस प्रकार से जिस अपना जो गोला है वो बढ़ना है ये इससे चार होता है तो चार में से आपको एक ही बनना है इस प्रकार से और उसको पूरा जो काला करना है और इसको बाहर भी नहीं निकालना है इस प्रकार से इस प्रकार से इसको बाहर भी नहीं निकालना है और इसके ऊपर राइट का निशान भी नहीं लगाना है और इसके ऊपर इस प्रकार से गलत भी नहीं करना है और बहुत छोटा भी नहीं बनना है जैसे ये सी सही तो उसमें सी को इतना सा छोटा सा भी नहीं बनना है इसको पूरा करना है ये इस प्रकार से आपको ये बनना है और इसके बाहर भी आपको नहीं निकलना है कंप्यूटर चेक करता है तो आपके कंप्यूटर फिर इसी प्रकार से वो चेक इस प्रकार से आपको ये बढ़ देना है समझ में आगे होगी ये बात तो आपको चलो अगला देखते हैं हम इसमें आपके दूसरे रोल पेज पे आपको क्या क्या बढ़ना है अच्छा आपको वाइटनर नहीं मिलेगा तो गलती बिल्कुल नहीं के बराबर करनी करनी ही नहीं है गलती तो आपको ये दूसरा पेज आपको मिलेगा उसी के पीछे जो ओ एम आर मिलेगी उसके पीछे आपको यहाँ पर बने अपने रोल नंबर जैसे आपके रोल नंबर हैं सत्रह बत्तीस सत्रह दो तो आपको यहाँ पे एक एक डिब्बे में एक एक अंक लिखना है सत्रह का एक सात तीन दो एक सात दो ये बने फिर इस लाइन में आपको जीरो से लगा के नौ तक के नंबर मिलेंगे हर एक लाइन के हर एक अंक के नीचे ज़ीरो से लगा के नौ तक के नंबर लिखे हुए हैं तो आपको वही गोला काला करना है वही बबल भरना है जो ऊपर अंक लिखा हुआ है ये देखो जहाँ यहाँ पर मान लो एक लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है इस एक को ही जिसमें काला करना है ठीक है यहाँ पे एक लिखा हुआ है इस एक को ही हम यहाँ पे भरेंगे इस प्रकार से इसको हम ब्लू से भरो या फिर आप ब्लैक से भी भर सकते हो ठीक है जो भी आपको भरना है इससे बाहर आपको नहीं निकलना है ठीक है और ये अगर आप किस में एक है तो इसे एक के ऊपर आपको इस प्रकार से राइट का निशान नहीं लगाना है इसको राइट नहीं करना है या फिर एक इसमें भर दिया कई बच्चे यहाँ पे रोल नंबर भर के सारा एक सारे गोले इसमें काले कर देंगे तो वो भी गलती आपको नहीं करनी है एक अंक के नीचे एक गोला ही काला करना है ठीक है और एक लाइन में दो गोले काले नहीं करने तो ये दोनों बात आप अच्छी प्रकार से समझ लेना फिर इसमें आपको राइट का निशान नहीं लगाना है गोला ही भरना है तो ये आप भर लेंगे और गोले को पूरा काला करना है अधूरा नहीं छोड़ना इस प्रकार से जैसे यहाँ इसमें सात है तो सात को पूरा काला करेंगे इस प्रकार से और इसके बाहर भी आपको नहीं जाना है ठीक है इस प्रकार से आपको इसको पूरा भर देना है तो ये आप भरेंगे इसमें और ये तो आपके रोल नंबर हो जाएंगे रोल नंबर लिखने के बाद में दूसरे नंबर पे आएगा, आएगा आपको अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके ऊपर आपको नंबर लिखे होंगे ये नंबर आपको ये नंबर आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको मैं क्वेश्चन पेपर में बता देता हूँ वहाँ से आपको इसमें लिखने हैं जैसे वो पुराना पेपर देख लेते हैं हम ये आपके एक पुराना पेपर 2022 का पेपर आपके सामने ये तो इसमें आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है देखो ये तिरासी तेईस बत्तीस आठ तो ये नंबर आपको यहाँ से लेने और वहाँ उसके ऊपर आपको लिख लेना है वो सारे सारे नंबर आपको उसके ऊपर लिखने तो वो जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो आपको यहाँ से लेके जाना है ठीक है तो वो ये नंबर आपको वहाँ पर लिखना है फिर इनको काला करना है तो ये आपकी जो मुख्य प्रश्न पत्र पुस्तिका है बुकलेट नंबर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उस पेपर के ऊपर वहाँ से आपको देखना है और यहाँ से भर देना है यहाँ सबसे ऊपर जीरो है तो इस जीरो को ही काला करना है और किसी को काला नहीं करना है और यहाँ पे पाँच है तो पाँच को काला करना है अगर मान लो बच्चे यहाँ पे एक जीरो लिख दिया अब आपने गलती से यहाँ पे तीन लिख लिया और तीन को भी गोला कर दिया तो फिर आपके वो गलत हो जाएगा कोई मतलब नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखे आपको पहले ओ एम आर सेट को पाँच मिनट में अच्छे प्रकार से भरना है और फिर आपके यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा स्टेट कोड फिर डिस्ट्रिक्ट कोड फिर आपके ब्लॉक कोड और सेंटर कोड ये आपके अपने जो परीक्षा लेने आएंगे सर आपके गुरु जी जो आपके टीचर होंगे क्लास में वो आपको बता देंगे कि इसमें कौन से में कौन कौन सा भरना है या तो वो खुद भर देंगे अपने हाथ से या फिर आपको कहेंगे आपको कहेंगे तो आपको जो उस वहाँ पर बताए वो नंबर ही आपको बरने और फिर सही प्रश्न का जो उत्तर है आपको इस प्रकार से बढ़ना है ये तो मैं आपको आगे और बता दूंगा इसमें तो ये तो आपके कौन कौन सा आपको काम करना है वो वाला फिर इसके बाद में सबसे नीचे आपको यहाँ पे यहाँ पर आपको जो अपने सिग्नेचर करने ये वाला जो बीच का जो डिब्बा है यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं साइन वो करने हैं जो आपने अपने ओ एम सीट में कर उसमें एडमिट कार्ड में कर रखा है जो परीक्षा के समय आपका फॉर्म भरा था जो फॉर्म भरा हिंदी में तो हिंदी में ही करना है इंग्लिश में साइन कर रखा तो आपको इंग्लिश में ही करना है इस डिब्बे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है इस डिब्बे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर आपके जो परीक्षा लेने वाले सर आएंगे वो मैडम आएंगे वो उनके साइन होंगे और यहाँ उनके स्टाम्प वगैरह सेंटर की जो स्टाम्प होगा वो वहाँ पर लगा देंगे तो इन दोनों डिब्बे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है और कोई भी निशान आपको नहीं लगाना है आपको केवल ये कैंडिडेट वाला जो है इस कैंडिडेट वाले में ही अपना साइन करना है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको वहाँ पे अपने जो क्लास में सर होंगे उनको पूछ लेना है लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी निशान वगैरह वहाँ पे गलत काम वहाँ पे नहीं करना है तो ये तो आपके वर, OMR बर ओ एम आर भर दी जाएगी फिर इसके बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको ये रोल नंबर भर देंगे यहाँ पे जैसे आपके रोल नंबर मान लो या मैं आपको भर के बता देता हूँ एक रोल नंबर जैसे किसी का रोल नंबर है मान लो यहाँ पे रोल नंबर है एक चार तीन सात छः ज़ीरो पाँच ये आपके रोल नंबर है अब आपको इसमें एक को काला भरना है काला करें तो आपको एक को इस प्रकार से काला कर देना है ठीक है इससे बाहर नहीं निकलना है और इसी प्रकार से आपको काला ये चार है तो इस चार को काला करना है फिर आपको इसमें तीन को काला करना है तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे भर देने है फिर ये सात है तो इस सात को ही भरना है इसमें और यहाँ पे छः है तो फिर आपको छः को भरना है जो डिब्बा भरना है उसी में अंक है उसी में भरना है ये जीरो है तो यहाँ पर आपको जीरो भर देना है जीरो को इस प्रकार से पूरा ब्लैक कर देना है ठीक है इससे बाहर नहीं निकलना है पाँच को यहाँ पे पाँच से भर देना है तो ये इस प्रकार से आपको अपने भर देना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो मैंने आपको बताया वो वहाँ से देख के लिख लेना जो भी आपके यहाँ पर आएगा उसको इसी प्रकार से देख के बता देना और इस साइड में आपके जो रोल नंबर वगैरह एक बार और लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर वापस लिखनी पड़ेगी यहाँ पर आपके स्टेट कोड जैसे जीरो वन है जो जो भी आपको बताएंगे वहाँ पे वो बन है ज़ीरो वन जीरो टू ठीक है जीरो थ्री ये तो मैं उदाहरण के लिए वैसे ही लेके बता रहा हूँ आपके जो बताएं वहाँ पर वो बन है इसमें तो जीरो है तो यहाँ पर जीरो और वन को जो गोला भर देना है जीरो और वन को ठीक है इसको अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है यहाँ पर अपने रोल नंबर आ जाएंगे रोल नंबर मैंने बताया इस प्रकार से आपको भर देना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर जैसे मान लो एक यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ जैसे आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है मान लो तिरासी आठ तीन सात दो चार और ये पाँच ये आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है तो आपको इसमें आठ वाले को काला करना है तो आपको इसमें आठ वाले को ही काला करना है ये हम आठ वाले को यहाँ पे काला कर देते हैं आपको इससे बाहर नहीं निकलना है तीन है तो फिर इसमें तीन को काला कर देंगे इस प्रकार से आपको सारे समझ में आ गया होगा इस प्रकार से आपको गोले कैसे बनने रोल नंबर वगैरह कैसे लिखने हैं ठीक है ये आपको अच्छी प्रकार से देख लेना अब हम बात करते हैं आपके उत्तर की तो उत्तर जो लिखोगे आपके टोटल आपके अस्सी प्रश्न आएंगे ठीक है ये अस्सी प्रश्न आपको एक साथ जो आ, न, उत्तर एक इसमें लिखने एक साथ का मतलब जैसे जैसे आपके सबसे पहले आपके मेंटल एबिलिटी वाले आएंगे 40 प्रश्न वो आएंगे और 20 प्रश्न गणित के और 20 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे तो जैसे पहले प्रश्न में आपके ए सही है पहले प्रश्न में आपके ए सही है तो आपको ए को ही काला करना है और किसी को काला नहीं करना है तो आपको पहले प्रश्न में ए को अच्छी प्रकार से काला कर देना है ये ये काला कर देंगे फिर इसमें अगर मान लो आपको फिर बाद में पता चला कि ये ए नहीं इसमें तो सी था और आपने सी को भी काला कर दिया यानी कि एक ही प्रश्न में आपने दो गोले काला कर दिए अब आपका वो प्रश्न चेक नहीं होगा अब आपके ये प्रश्न गलत हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न में एक ही गोला भरना है जैसे दूसरे में सी सही है तो आपको सी को भरना है ठीक है सी सही तो सी के ऊपर राइट का निशान नहीं लगाना है आपने जो डिब्बा है उसको गोला है आपको उसको सर्कल को अच्छी प्रकार से भर लेना है जैसे यहाँ पे मान लो इसे तीसरे में डी सही तो आपको डी के ऊपर ऐसे राइट का निशान नहीं लगाना है और गलत हो जाए तो फिर उसको काटना नहीं हो आप इस प्रकार से ठीक है जो हो गया बस एक प्रश्न गलत हो जाएगा उसको बार बार जो काटने से आपका प्रश्न वापस सही नहीं होगा तो ये इस प्रकार से अस्सी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखने हैं अब बात कर लेते हैं आपके कि जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा ये ओ एम संबंधित आपको सारी बातें इसमें हो गई अब आपके पेपर से संबंधित कुछ बातें और कर लेते हैं देखो ये आपके ओ में 80 प्रश्नों के नंबर और 16 जो उत्तर हैं आपको इसमें आपके दी गई हैं ठीक है ठीके? तो ये सभी जो ओ एम भरे जाएगी उन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छी प्रकार से पहले चेक करके फिर भरना है जैसे पहला जो आपके मेंटल एबिलिटी का चित्र वाले प्रश्न आएंगे चालीस प्रश्न पचास नंबर के तो चालीस प्रश्न आपको बनने और हर एक प्रश्न के उत्तर तो आपको दस खंड मिलेंगे ये पहला भाग है इसमें दस भाग है खंड ए के दस भाग है यानी कि इसमें आपके अलग अलग है जो चार 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 प्रश्न के दस भाग इसमें बना रखे चालीस प्रश्न हो जाएंगे जिसमें आपको कोडिंग वाले डिकोडिंग वाले मिरर वाले इन सभी के प्रश्न आपको सीरीज़ वाले सारे प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे आकृति को पूरा करो काटने पर कागज़ को मोड़ने पर कैसे आकृति बनेगी वो सारे प्रश्न आपको इस प्रकार से और ये मैंने पूरा जो सॉल्व करवा रखा है पेपर ये आप देख लेना इसका वीडियो आपको इसके नीचे लिंक में मिल जाएगा तो ये हम देख लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा इसके अलावा आपको जो चार उत्तर दे रखें इसमें एक को ही भरना है और फिर हम बात कर लेते हैं कि आपके नंबर जो होंगे वो सभी के बराबर हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके बराबर नंबर का रहेगा जो प्रश्न गणित का है वही उतने ही नंबर का आपके हिंदी का और चित्र वाला भी आपके आएगा फिर आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा यानी कि या सभी प्रश्नों की ऐसा नहीं होगा आप केवल गणित के ही प्रश्न के उत्तर दें या गणित और आपके चित्र वाले दे दिए और हिंदी के छोड़ दिए या हिंदी और चित्र वाले कर लिए गणित के छोड़ दिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है सारे जो प्रश्न हैं उनके गोले आपको भरने हैं चाहे है आपको कुछ भी नहीं आए वहाँ पर फिर भी आपको गोले भर के आने हैं क्योंकि आपके वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके गलत भी हो जाएगा तो भी आपके नंबर नहीं कटेगा इसलिए आपको वहाँ पर ये देखो किसी भी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे गोले बढ़ने हैं कोई भी गोला आपको छोड़ना नहीं है और फिर आपके प्रत्येक तीस मिनट में आपकी घंटी बजाई जाएगी तो आपको वहाँ पर घड़ी ले जाने की ऐसे वैसे कोई जरूरत होगी नहीं और वैसे ही जिस रूम में आप बैठेंगे उस रूम में आपकी घड़ी लगी होगी नीं भी लगी होगी तो भी आपके जो ती, हर तीस मिनट में आपकी ये घंटी बजेगी तो दो बात ये होगी फिर आपको साथ में क्या क्या ले जाना है तो एक तो आपको अपनी आईडी ले जानी है जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हैं और भी वो आपके आधार कार्ड मान लो नहीं है तो आप वो आईडी ले जा सकते हैं जिसमें आपके घर का पता हो जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है ठीक है मूल प्र, निवास प्रमाण पत्र हो तो ये ले जा सकते हैं आपकी वैसे सबके आधार कार्ड होगा फिर भी किसी बच्चे के मान लो आधार कार्ड नहीं हो तो ऐसी आई ले जानी जिसमें आपका घर का पता अपने पापा का और आपका नाम उसमें शामिल हो ठीक है तो वो वाली आईडिया आप उसमें ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है ठीक है एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है इसके अलावा पेन आपको दो लेके जाने चाहे ले ले आप ब्लू ले जाएं चाहे आप फिर ब्लैक ले जाएं इसके अलावा आप एग्जाम पे ले जा सकते हैं कि तो हाँ एग्जाम पे ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसके आर पार आपको मतलब वो साफ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ठीक है तो ना ये आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना और बॉल पेन जो भी ले जाए वो आपको ट्रांसपेरेंट ले जाना है बॉल पेन आपको ट्रांसपेरेंट यानी कि पार जैसे आर पार उसके हम देख सकते हैं ब्लैक वो वाले आपको लेके जाना है ठीक है तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है फोटो वगैरह आप चाहे तो एक फ़ोटो दो फोटो आप साथ में ले जाना वैसे आपको ज़रूरी वहाँ पे है नहीं तो ठीक है यह बातें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और ड्रेस जो आप पहन के जाएँ हो सके तो आप स्कूली ड्रेस में ही पहन के जाएँ बाल वगैरह आप अच्छी प्रकार से तैयार होकर जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे आपको तैयार होकर अपने परीक्षा देने जाना है पानी की बोतल वगैरह ले जा सकते हो लेकिन आपके जो वो बोतल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आर पर उसके दिखना चाहिए उसके ऊपर कागज़ वगैरह नहीं होना चाहिए ठीक है तो बोतल वगैरह और बैग बुक जो भी आप साथ में ले जाएंगे तो वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे तो इस प्रकार की कोई चीज़ें आपको वहाँ पर वैसे लेके नहीं जानी है केवल आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो नहीं बोलना है और आपकी आई ले जानी है और पेन ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से आपको लेके जानी है बाकी और कोई चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे प्रकार से पहले आपको चेक करके ठीक है कोई कागज़ वगैरह तो नहीं अपने साथ में वो आप अच्छे प्रकार से चेक करके फिर आपको वो अंदर प्रवेश करना है और जैसे जिस दिन आपकी परीक्षा इनकी उनतीस तारीख को आपकी परीक्षा है तो आपको उनतीस तारीख से पहले की जो नाइट है वो अच्छे प्रकार से आपको नींद लेनी है बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है अब आपने जितनी भी तैयारी करनी थी वो कर ली है अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको केवल अपनी जो नींद है वो अच्छी प्रकार से लेनी है क्योंकि टाइम आपके एग्ज़ाम का दिन में है तो फिर आपको हो सकता है वह नींद भी आ जाए रात भर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको अच्छी प्रकार से नींद लेनी है अच्छे प्रकार से ना धो के सुबह तैयार होकर समय से जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है उससे आधा घंटा पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है और आपके एग्जाम सेंटर के जैसे दो स्कूल हो सकते हैं तो आपके एग्जाम सेंटर के जो कोड है वो आपको वहाँ पे मिलान कर लेना है जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे फिर लेट पहुँचते हैं और एक जैसे नाम वाले दो स्कूल मिल जाते हैं उसी शहर में तो फिर आपको गलत सेंटर पर पहुँच जाते हैं और फिर आपका जो टाइम है बर्बाद हो जाता है तो आपको अपने एग्जाम सेंटर से आधा एक घंटा पहले आपको पहुँच जाना है अपने एग्जाम सेंटर का जो कोड है उससे अपने एडमिट कार्ड के ऊपर मिलान कर लेना है या वहाँ पर कोई टीचर हो तो उनसे पूछ के अपना जो एग्जाम सेंटर वो कन्फर्म कर लेना है ठीक है इन सभी बातों का आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है एग्जाम देने जाने से पहले अपने मम्मी पापा गुरुजनों का जो आपको आशीर्वाद लेके अपना एग्जाम सेंटर में पहुंचना है और पॉजिटिविटी के साथ में आपको जो अपना काम करना है अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेक्शन होगा और हम यही उम्मीद करते हैं प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपका जो सिलेक्शन वो नवोदय में हो जाए और अपना जो अच्छा सा जो आगे की पढ़ाई आप अच्छी प्रकार से कर पाएँ आगे भी हम आपको इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और भी आपके मन में, में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और आपका पेपर हो जाए तो फिर आप मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर है पिचहत्तर अड़सठ इस नंबर पे आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं पिचहत्तर अड़सठ पैंतीस डबल जीरो उनसतर ठीक है उसके ऊपर पी बनाकर आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं तो ये पेपर अपना जो है होने के बाद में फिर आप मुझे पी डी बनाकर भेज देना मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा और भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना अपना जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है ताकि उनके मन में कोई डाउट तो आपको नहीं रहे हर ये चित्र वाले जो पेपर हैं उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये निर्देश दे रखें ये आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है कि इसमें आपको क्या पूछा गया है जैसे इसमें बता रखा है कि इसके जैसा चित्र बना समरूप समरूप में इसके जैसा आपको चित्र इसमें से ढूंढना है कि इसमें से कौन सा है ठीक है तो ये आपको अच्छी प्रकार से पढ़ के ही फिर आपको जो सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं है तो ये सभी बातों का आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है और अपने पेपर को अच्छी प्रकार से करके आना है जल्दी मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत आपके मन में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके बता देना